सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा पाठ चार संज्ञा का प्रश्न और उत्तर ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है, आपको बताऊंगी। अपनी कॉपी निकालिए, फेयर कॉपी, अपनी कॉपी निकालिए, उस पर चैप्टर का नाम डालिए, चैप्टर का नंबर डालिए, डेट डालिए, ठीक है, और डाल के और जैसे जैसे मैंने प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है ठीक वैसे ही साफ साफ अक्षर में उसको लिखिए, कोई कटिंग नहीं, कोई उसमें डबल राइटिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सारे बच्चे फेयर कॉपी यानी व्याकरण की कॉपी यानी हिंदी सेकेंड की कॉपी पे आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर जिसका कंप्लीट नहीं है वो ये नहीं कहेगा कि कंप्लीट नहीं है तो लिखे कैसे, इसी चैप्टर को लिखिए, अगले अगले अपने पेज में इसी चैप्टर को लिखिए, जो कंप्लीट नहीं है उसको बाद में करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखिए, कॉपी लीजिए, पेन निकालिए और लिखिए। पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, मैंने आपको वीडियो में समझाया था संज्ञा किसे कहते हैं, बिल्कुल वही उत्तर है। संज्ञा हेडिंग डालिएगा कॉपी में, पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखेंगे। अरे तो पेंसिल से, अच्छा तुम लोग पेंसिल से लिखते हो, पेंसिल से लिखना। और पहले आप हेडिंग डालेंगे संज्ञा, फिर लिखेंगे उसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को और तथा भाव को संज्ञा कहते हैं, व्यक्ति वस्तु के नाम को और भाव को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये आप लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, व्यक्ति मोहन कॉमा वस्तु पिता, फिर वहां कॉमा करेंगे, स्थान पुस्तकालय, भाव वेदता, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट, एकदम ऐसे ही आप अपने कॉपी में साफ साफ लिखेंगे, जहां गलत होगा रबर से मिटाइए और उसको लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए, दूसरा प्रश्न, दूसरा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, जैसा वीडियो में बताया बिल्कुल वही आंसर है। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, नंबर डाल के आप साफ साफ उसको लिखेंगे, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर तीन पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न है, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, फिर इसकी परिभाषा मैंने जैसे लिखा है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध होता है कॉमा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, हैं पे बिंदी क्योंकि बहुवचन, ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर थे, रामायण हमारा ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, गंगा नदी इत्यादि बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर चार पे आइए, चौथा प्रश्न क्या है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसा वीडियो में बताया बिल्कुल वही आंसर है, हेडिंग डालेंगे जातिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के पूरे जाति या समूह का बोध होता, बोध माने ज्ञान होता है, समझ आता है, उसको बोध कहते हैं, ठीक है। आप समझ भी लिख सकते हैं, ज्ञान भी लिख सकते हैं, जानकारी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अगर ये याद ना हो तो आप उसकी जगह यही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, फिर यहाँ है प्रबिंदी है, बहुवचन है, ठीक है। जैसे नदियां, सही लिखेगा नदियां, यहाँ चंद्रबिंदु है, लड़के, लड़के नहीं लड़के होगा, के पर बिंदी होगी, ठीक है। फिर छात्र, फल, पेड़ आदि, नदियां सारी नदियां, लड़के में सभी लड़के आ जाएंगे, छात्र में सभी छात्र आ जाएंगे, फल में सभी फल, आम अमरूद सेब केला जो भी होता है, पेड़ में सब सभी पेड़ आ जाएंगे, ठीक है, चाहे वो फलदार वृक्ष हो चाहे वो फलदार वृक्ष ना हो, सभी पेड़ आ जाएंगे, ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है, ये आपके प्रश्न और उत्तर हो गए, इसको आप कॉपी में लिखिएगा साफ साफ लिख करके, और उसके बाद जब हम लोग स्कूल में कॉपी मंगाएंगे आप उसको भेजेंगे अच्छे से।